नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दो स्विच दो 5 पिन सॉकेट की वायरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, हमने 7/4 की सनमाइका सीट के ऊपर दो स्विच और दो सॉकेट को माउंट किया हुआ है और स्विच में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है इनपुट टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल होता है आउटपुट टर्मिनल। ऐसे ये दो स्विच के टर्मिनल है और 5 पिन सॉकेट में तीन टर्मिनल होते हैं, जिधर जिस टर्मिनल पे L लिखा रहेगा वो होता है हमारा इनपुट फेज वाला टर्मिनल और N लिखा रहता है वो होता है न्यूट्रल वाला टर्मिनल, और जिधर ग्राउंड अर्थ का सिंबल बना रहेगा यानी कि सेंटर वाला जो टर्मिनल है इसका वो है अर्थिंग वाला, जहां हमारी अर्थिंग वाली वायर लगेगी। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। अब हम एक वायर ले लेते हैं, वायर का एक एंड को हम सॉकेट के फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे यानी कि लाइन वाले पे। फेज के लिए हम रेड कलर की वायर का यूज करेंगे और इस वायर का दूसरे एंड को हम वन वे स्विच के दो टर्मिनल है आउटपुट टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर देंगे। कि हमने एक सॉकेट में फेज के लिए वायर कनेक्ट किए स्विच से, और अब हम एक वायर और ले लेंगे। इस वायर का एक एंड को हम दूसरे सॉकेट के फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। और इस वायर का दूसरे एंड को हम स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। और अब ले लेते हैं हम न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर की वायर। इस वायर को हम ये जो सॉकेट का न्यूट्रल वाला टर्मिनल है इस पे इस वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे यहां। और इस वायर का दूसरे एंड को हम ब्लैक वाली वायर को दूसरे सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस वायर का एक एंड को हम सॉकेट के जो तीसरा टर्मिनल है ग्राउंड अर्थ वाला उसमें कनेक्ट करेंगे। अर्थिंग के लिए हमेशा ग्रीन कलर की वायर यूज की जाती है। इसका दूसरा एंड हम दूसरे सॉकेट के अर्थिंग वाले ई टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने दोनों सॉकेट में अर्थिंग वाली वायर कनेक्ट कर दिए और अब हम इसमें इनपुट फेज के लिए वायर कनेक्ट करेंगे। पहले हम एक वायर लेंगे, इस वायर का कंडक्टर को निकाल लेंगे यानी कि इसका इंसुलेशन को हटा करके इसको निकाल लेंगे। लंबी वायर छीन लेंगे जितने हमारे स्विच है उसी हिसाब से और इस वायर को हम ट्विस्ट कर लेंगे। और इस वायर को यहाँ से हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये जो दोनों स्विच के इनपुट टर्मिनल है, आउटपुट में हमने सॉकेट के लिए आउटपुट के लिए वायर कनेक्ट कर दिए, इनपुट वाले में अभी कोई वायर नहीं कनेक्ट है, तो इस वायर को हम इन दोनों स्विच के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे यानी कि इनपुट वाले में ये यहाँ, ठीक है जी, ये हमने इधर कनेक्ट कर दिया। ये हमने इसकी कनेक्शन कर दिए और अब हम इसमें इनपुट फेज और न्यूट्रल के लिए वायर कनेक्ट करेंगे।
उसके लिए हम 3 कोर की केबल का यूज करेंगे, जो कि ये है। इसमें 3 वायर रहती है, रेड होती है फेज के लिए और ब्लैक होती है न्यूट्रल के लिए और ग्रीन होती है ग्राउंड अर्थिंग के लिए। तो इसका हमको क्या करना है, रेड वाली वायर को इसका इंसुलेशन हटा करके इसको हम जहाँ हमने ये जो कंडक्टर लगाया है इसी के साथ कनेक्ट कर देंगे। या तो इस टर्मिनल पे इसको कनेक्ट करो या इस पे, दोनों में फेज चला जाएगा फ्रेंड्स। तो हम इसी के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। और अब हम न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट करेंगे। ये इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट कर रहे हैं। इस वायर को पहले हम छील लेंगे, इंसुलेशन को हटा लेंगे और इसको हम जहाँ हमने दोनों सॉकेट के लिए, एक न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर की वायर कनेक्ट की थी, किसी भी एक टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। हम इस साइड इसको कनेक्ट कर लेते हैं ब्लैक वायर के साथ ही सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। ये हमने न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट कर दी है स्विच बोर्ड में और अब हम इसमें ग्राउंड अर्थ वाली वायर कनेक्ट करेंगे, जो कि ग्रीन कलर की वायर है। इस वायर को हम जहाँ हमने अर्थिंग की वायर पहले से एक ग्रीन कलर की वायर कनेक्ट की है उसी के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारी 2 सॉकेट और 2 स्विच की कंप्लीट वायरिंग हमने कर ली है और अब हम इसको आपको ऑन करके दिखाते हैं। दोस्तों हमने स्विच बोर्ड में पावर दे दी है और अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। टेस्टिंग के लिए हम एक बल्ब होल्डर का यूज करेंगे। पहले हम ये वाले सॉकेट को टेस्ट करेंगे कि इसमें प्रॉपर ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए, ये अभी हमारा प्रॉपर वर्किंग में है और अभी दूसरे वाले को टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो स्विच बोर्ड है यानी कि 2 स्विच और 2 5 पिन सॉकेट की प्रॉपर वायरिंग हमने कर ली है।